डॉगी लोग का सही है। ये देखिए गणपति बप्पा का दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स कैसे सब, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक का तेजस में। फ्रेंड्स उस दिन भी मैंने शूट किया था, मगर क्या मालूम है कि वो जो मेरा जो ओल्ड माइक था उसमें जो आडा क्या बोलते हैं कनेक्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए अभी मैंने न्यू माइक लिया है। देखते हैं न्यू, इसमें क्या मालूम है कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं आवाज़ कैसा आ रहा है, आवाज़ क्वालिटी थोड़ा सा, अभी ट्रैफिक है ज़रा सा, इसके बाद देखते हैं थोड़ा खाली रास्ते पे अच्छा समझ में आएगा। बाकी सब कैसे आप, मज़े में हो ना, मज़े में रहो फ्रेंड्स। थोड़ी सी बारिश हो रही है बूंदा बांदी, मैंने वाटरप्रूफ किया है ब्लूटेक से, देखते हैं कितना वाटरप्रूफ बनता है। बाकी आप सब ठीक हो ना? सो फ्रेंड्स हम जाने वाले हैं उपन, आपको पता होगा मैंने बहुत बार शूट किया है मगर मोटर ब्लॉग बहुत कम किया। उधर उधर कितना सुकून मिलता है, और मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी बाइक रिगार्डिंग, और अभी फ्यूचर ट्रिप पे भी जाने वाला हूँ फ्यूचर में, अभी कुछ दिन में। तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया मुंबई राइडर्स क्लब, एकदम मस्त ग्रुप है, अभी एक दो महीने हो गए ज्वाइन करके, ये अब तक उनके साथ एक राइड नहीं किया। इस संडे को मोस्टली राइड पर जाने वाला हूँ मैं, सब सही रहा तो टाइम मिला तो, देखते हैं क्या होता है। बूंदा बांदी वापस शुरू हो गई है, पता नहीं अभी गोप्रो में ठीक चलेगा कि नहीं, देखते हैं किस्मत। आई होप गोप्रो को कुछ होना हो, मैंने किया है वाटरप्रूफ, तो 100% गारंटी कोई कुछ भी नहीं रहता ना। सो फ्रेंड्स अभी ऊपर जाने वाले 10 मिनट का रास्ता इधर से, उधर बातें करूँगा आपसे, बहुत कुछ बातें करनी है मुझे बाइक रिलेटेड, बाइक बातें करनी है। और सबको हैप्पी नागपंचमी सर, जिसे जिनके लोगों का एक्स है उनको भी विश कर दो क्योंकि मीन्स लाइफ में वही तो एक्स ही साफ रहते हैं, जो का पार्ट मस्ती मजाक किया था मैंने, माइंड मत करना कौन किसकी सेंटीमेंट से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मस्ती मजाक थी। बारिश आ रही है, आस्ते आस्ते आ रही है बारिश। और फ्रेंड्स ये देखो न्यू ग्लोव्स भी मैंने पहने हैं, इसका भी उद्घाटन किया है मैंने, वाटरप्रूफ है न्यू ग्लोव्स, देखते हैं इसका वाटरप्रूफ कैसा है, क्योंकि राइड से जाने पहले थोड़ा सा इससे यूज टू होना अच्छा चाहिए मुझे, इसलिए मैंने आज ये यूज़ किया है मैंने। बाकी अभी गणपति फेस्टिवल आने वाला है तो हम व्लॉग बनाएंगे उनके भी, गणपति बप्पा के व्लॉग हर साल बनाता हूँ मैं, इस साल भी बनाऊँगा। उस दिन मस्त शूट किया था मगर माइक हमेशा मुझे धोखा देता है, इसलिए मुझे न्यू माइक लेना पड़ा, तगड़ा खर्चा हो गया है। कुछ नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा उसका कीमत भी मोजना में गिनना पड़ता है। बस आपका एक ही काम है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप ऐसा कमेंट में सब में सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे ज़रा एनर्जी मिलती है कि यार अपना ट्रैक पे सही जा रहा है अपना चैनल। बाकी इधर आएगा तो ऐसा फील लगता है कि अलग ही एरिया में है, एकदम पूरा हरियाली हरियाली, मस्त एरिया लगता है मुझे। जब कभी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मन की शांति चाहिए होती है तो मैं इधर आता हूँ, वो सालों से हमेशा आता हो, अच्छा फील लगता है। बाकी थोड़ा सा ग्लोव्स थोड़ा सा यूज होने में थोड़ा टाइम लगेगा मगर अच्छे ग्लोव्स है। अब कितना वाटरप्रूफ है पता नहीं, मगर बोलते हो वाटरप्रूफ है, सोलिस कर लिया मैंने, गैजेट पे बहुत खर्चा किया है मैंने, कुछ नहीं चलता है ये क्या 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 है पता नहीं क्या है, कौन सा तो टेम्पो है अभी इलेक्शन आने वाला है, सब जोर से चल रहा है। बस ये देखो ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है, इधर कभी खड्डे नहीं भरते पता नहीं क्यों, ये तो मस्त किया है। और घोड़बंदर रोड उस साइड में बाप रे, ये रास्ते में खड्डे है, खड्डे में रास्ते, समझ में नहीं आ रहे।
BMW GS 110। अपने को भी बाइक अपडेट करना है, नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ मैं अभी बिग बाइक लेने का। अभी बहुत हो गया छोटा सीसी वाला बाइक से, मोर देन 8 साल हो गए इस बाइक को चलाए। अभी थोड़ा सा अपग्रेड करने का मन कर रहे है। ये देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क है, इधर अंदर से जा सकते हैं, घूमने के लिए भी लोग जाते हैं अंदर। चलो गणपति बापा के दर्शन कर लेते बाहर से, क्योंकि अभी सब वो निकालना बिल निकालना सही नहीं रहते। दर्शन करके लेते हैं फिर अब तो स्पॉट पे जाते हैं, आपसे बातें करता हूँ। ज़्यादा कुछ पकाऊंगा नहीं मैं, थोड़ा सी बातें करूँगा, वरना आपको लगेगा ये देखिए इधर भी है। हम लोग का जब गणपति था ना, अभी नहीं, अब 2 साल से गणपति की मम्मी एक्सपायर हो गई, उसके बाद से हमने गणपति लाना बंद किया। तो जब गणपति था तो विसर्जन के लिए हम इधर ही आते थे, गणपति बापा का विसर्जन के लिए। ये मेयर का बंगला है, पता नहीं मेयर रहते हैं कि नहीं। चलो इधर ही गाड़ी पार्क करते हैं, अंदर जाते हैं, भगवान के पैर पड़ते हैं। चले चलते, जैसे बोटिंग अभी बंद है बारिश इसलिए। हेलो डॉगी, डॉगी लोग का सही है। ये देखिए गणपति बापा का दर्शन कीजिए, गणपति बापा मोरिया गणपति मोरिया। चलो चलते हैं अभी अपने स्पॉट के, इधर गणपति बापा का दर्शन ले लिए मैंने। इधर कपल लोग भी आते हैं बहुत, अभी नहीं थोड़े टाइम के बाद आएंगे। बारिश नहीं होती तो अच्छा होता था, कुछ नहीं चलते हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश है, इसका भी जरा सा हो गया, कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ी यूज़ होने में टाइम लगेगा। यह अपनी बाइक है छोटी सी, जल्दी सी बड़ी बाइक आने वाली है फ्रेंड्स, कोशिश जारी है, बस आप सपोर्ट कीजिए मुझे। चले चलते अभी अपने स्पॉट के इधर। आगे बीच में बैठा है मस्त व्यक्ति, सुबह आने का एक फायदा है ज्यादा भीड़ नहीं रहती, वरना थोड़ा लेट आ गया तो भीड़ ही भीड़, फिर मजा नहीं आता शूट करने में। अभी कितना सुमस्त लग रहा है लड़के लोग, ये देखिए सुबह सुबह भी कपल लोग बैठे हैं। उनका सही है, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, आओ सुबह बैठो, लाइफ मस्त है। देखो इधर भी है, एकदम फेमस कपल स्पॉट है। अभी अंदर थोड़ा बारिश है इसलिए अंदर बैठा नहीं, वरना अंदर भी बहुत रहते हैं। चलो इधर से ही टर्न मारते, ये अंदर गया था मैं, अभी वो सब दिखाता नहीं, अपने को मेन काम आया है वो करते हैं। चलो इधर जरा सा बाइक पार्क करते, इधर सारा सही लग रहा है जगह। सही लग रहा है जगह। चलो पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लेक देखिए ऊपर का कितना मस्त है, भरा हो रहा है। अभी लेवल इतना नहीं है, वरना बारिश जगह तो पूरा भरता है, कभी कभी ओवरफ्लो भी होता है। आप देख सकते हैं एकदम मस्त लग रहा है, उधर शिव जी की मूर्ति देखिए मस्त है। चलो चलते अभी आपको बताता हूँ बाइक का क्या क्या है, मुझे क्या किस लिए बुलाया है, मैं किस लिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बाइक है, मैंने लास्ट टाइम अपडेट किया था कि क्या क्या लगाया था, वापस बताता हूँ। एक सैडल स्टे लगाया था मैंने, एक क्रैश गार्ड लगाया था मैंने, और ये बैक रेस्ट लगाया था।
और पिलन भी लगाया था। तो अभी मुझे क्या करना है, बाइक के लिए टॉप रैक है ना वो लगाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरे टॉप बॉक्स लगाने का है, क्योंकि अपना ड्रोन भी रहता है वो कैरी करने के लिए, जैकेट कैरी करने के लिए मैं बैग लगाता हूँ, मगर उसमें सब कुछ नहीं रहता। तो उसके लिए मुझे टॉप बॉक्स लगाना है, वो टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने जो पहले वाला लगाया था मीन्स ये सब सैडल स्टे बिडल स्टे लगाया था ना, तो उसी से लगाने वाला, उस शायद मोटो करके बेस्ट है, 2 साल हो गए तो स्टडी है, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। और ऑक्सिलरी लाइट भी लगाने का है। बाइक पे मत जाइए, ये चिकन में बाइक बहुत ख़राब होता है, धोखे वापस ख़राब होगा। तो यही कुछ बातें थी करनी थी आपसे, और तो टाइम मिलेगा तब करेंगे, बाकी देखते हैं क्या पॉसिबल होता है वो। तो अभी चलते हैं। बाकी आपको छोटा सा व्लॉग कैसा लगा बताइए मुझे, ये जॉगिंग बिगिंग कर रहे लोग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब वापस वो सब एरिया बताने का, जिधर से आया उधर से वापस जाने का इच्छा नहीं। अभी मैं आज ना बोला ना मैंने क्या फेस्टिवल है नागपंचमी में, घर पर थोड़ा स्वीट लेके जा रहा हूँ, आपको पता है कौन सा प्रशांत कौन जा रहा हूँ, तो स्वीट लेके घर जाऊँगा। तो अभी व्लॉग को इधर ही क्लोज करते, चलो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल।